आज सबसे बड़ी विडंबना यह है, प्रेम नहीं, घर घर में प्रेम खत्म हो गया। बेटा मां से प्रेम नहीं करता, बेटी मां से प्रेम नहीं करती, पति पत्नी से प्रेम नहीं करता, पत्नी पति से प्रेम नहीं करती, सब एक समझौता में चल रहा है। प्रैक्टिकल यही है ना, हम सबकी लाइफ एक कॉम्प्रोमाइज में चल रहा है, समझौता में चल रहा है। इतना बदल गया है। पहले एक परिवार होता था, नहीं एक गुलदस्ते की तरह, घर में चार कमरे होते थे और चार परिवार एक साथ भोजन करता था, सुबह की नाश्ता एक साथ करता था, दोपहर का भोजन एक साथ करता था, रात्रि का भोजन एक साथ करता था, और जब तक घर का कोई बड़ा ना आ जावे तब तक छोटे लोग कोई भोजन नहीं करते थे। दादाजी आएंगे, पिताजी आएंगे, ताऊजी आएंगे, फिर एक साथ भोजन करेंगे। आज तो पत्नी भी प्रतीक्षा नहीं करती, ये सत्य है कि नहीं? इसलिए प्रेम खत्म हो गया, और प्रेम खत्म होते ही सद्भावना खत्म हो गया, सत्य खत्म हो गया, धर्म खत्म हो गया, धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं रही, अब तो केवल दिखावा रहेगा, नहीं प्रदर्शन रहेगा। हम लोग कितना प्रदर्शन कर सकते हैं, किसी की शादी में जाओ क्या प्रदर्शन होता है। पहले मंगल मंत्र पढ़े करते थे, उन मंगल मंत्र पढ़ने से पहले पहले जूते उतारते थे, हाथ धोते थे, आचमन करते थे, फिर मंगल उन मंत्रों को उच्चारण करते थे, और जजमान भी जूते उतार कर पहले वो ये सोचता था कि मेरे बेटे की विवाह है, मेरी बेटी की विवाह है। और आज तिलक होना है, तिलक का अर्थ है हमने श्री गणेश करना है, हमने मंगल करना है, हमने शुभ का कामना करना है। विवाह तो कब होगा, दो महीना, चार महीना, छह महीना, साल भर बाद। तो तिलक का अर्थ है एक दूसरे के संबंध को जोड़ना। पहले हम दूसरे एक दूसरे के प्रति जान लें, एक दूसरे के प्रति संबंध को जोड़ लें। जब एक दूसरे के प्रति जब संबंध को तिलक के द्वारा, देखो हमारा हिंदू धर्म कितना विस्तार है, हमारे हिंदू धर्मों में जो रस है ना, जो विज्ञान है, जो विज्ञान हमारे धर्म में है, जो विज्ञान हमारे वेद में है, जो विज्ञान हमारे पुराणों में है, जो विज्ञान हमारे उपनिषदों में है, अगर समझ लिया जाए, पूरी दुनिया हमारे वेद के इस विज्ञान से पूरी दुनिया चला रही है। वेद की एक एक ऋचा को हम एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। आपको एक छोटी सी बात, बड़े आप टेंशन में रहते हो, बहुत आप बड़ी तनाव में रहते हो, और आप किसी के पास चले गए और आप उसने एक साधारण एक मंत्र दिया, वैदिक मंत्र दिया, पौराणिक मंत्र दे दिया, तांत्रिक एक मंत्र दे दिया, और आपने उस मंत्र को घर में सिर्फ भगवान उसने सूर्य के देखा, आप भगवान सूर्य की आह्वान करो, चलो सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, आप तीन बार जल दे दो, उसने जो बोला और आपने वो जल देना प्रारंभ किया, आपके तनाव में मस्तिष्क में शांति आना प्रारंभ हुआ। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक हमको नहीं मालूम। कहा पंडित जी ने कहा, महात्मा जी ने कहा, पड़ोसी ने कहा कि इस मंत्र का जाप कर लो, हमने जाप कर लिया, लेकिन उस मंत्र के पीछे जो तात्पर्य है, जो अर्थ है, जो तत्व है, जो विज्ञान है, हम उसको समझ नहीं पा रहे। वो सारा उस मंत्र के पीछे जो तत्व है, जो जो दृष्टांत है, जो लॉजिक है, ये सारे मंत्र वेद से आए हैं। और जब उस मंत्र का हम स्मरण करते हैं तो सारी हमारी ऊर्जाएं एक जगह आती है, और उस ऊर्जा को हम जब एकाग्र करके जब हम ध्यान में जाते हैं ना, ध्यान में जिसे आप लोग कहते हैं मेडिटेशन, आजकल तो योगा ही ध्यान, सब लोग हम योगा करते हैं आजकल, ध्यान कोई नहीं करता,
मेडिटेशन कोई नहीं करता, कह रहा मैं योगा कर रही हूँ, मैं योगा करती हूँ। क्या कर रही है? तो मैट लेके सुबह सुबह पार्क में जाती है, एक्सरसाइज करती है पूरा शरीर, बाबा रामदेव जी वाला। ये योगा नहीं है, ये तो एक्सरसाइज है आपके शरीर को ठीक करने के लिए, आपके बॉडी को मेंटेन करने के लिए। और जो ध्यान है, जो वास्तविकता योगा है, आपके बुद्धि को, आपके मन को, आपके विवेक को एकाग्र करने का, मेंटेन करने का जो साधन है, वो मंत्रों के द्वारा। आप चाहे ओम का उच्चारण करो, चाहे सूर्याय नमः बोलो, चाहे भास्कराय नमः बोलो, चाहे कृष्णाय नमः बोलो, चाहे रामाय नमः बोलो, चाहे ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे सिर्फ ओम बोलो, आप प्रैक्टिकल में यदि अपने पूजा में बैठो और पूजा में बैठकर केवल आप ओम का स्मरण करते हुए या अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए या किसी भी मंत्र का स्मरण करते हुए आप केवल आप 30 सेकेंड यदि ट्राई करके देख लो, 30 सेकेंड यदि आपका पूरा ध्यान एकाग्र हो गया, पूरी एनर्जी आपकी एक जगह हो जाएगी, तो आप बिल्कुल धीरे 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 इतने स्वस्थ हो जाओगे, आपके अंदर से आपकी जो आत्मा है सारी धीरे 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 मजबूत हो जाएगी और आपका धीरे धीरे अंदर की स्थितियां ठीक हो जाएगी, आप तनाव मुक्त हो जाओगे, टेंशन मुक्त हो जाओगे। कितनी बड़ा टेंशन आ जाए, आप उस टेंशन से आप मुक्त हो जाओगे, टेंशन मुक्त हो जाओगे। लेकिन हमको, हम ध्यान नहीं करते, हम मेडिटेशन नहीं करते, हम तो योगा करते हैं, योगा। हम फिजिकली बॉडी को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, हम माइंड को ठीक करने के लिए नहीं कर रहे। हमारा ये शास्त्र, हमारा भागवत जी, ये माइंड को सेट करने के लिए इतने उपयोग है, इतनी उपाय है, इसमें इतनी उपाय है। आपने कुछ नहीं करी, इसलिए वेदव्यास ने कहा व्यासस्य वचनद्वयम्, दो शब्दों में कहा, दो ही शब्द हैं। उन्हें कहा कि मैंने 17 पुराणों का मैंने रचना किया, मेरा मन चलाए मैं था, मन नहीं लग रहा था, मन भक्ति में नहीं लग रहा था, ध्यान में नहीं लग रहा था, बार बार लग रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, ये पितरियों के मुक्ति के लिए, ये आवागमन के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए, और जो भटकती हुई जो आत्मा है ना, जो हमारी आत्मा भटकती रहती है। देखो एक बात कहूं आपको, ये शरीर है ना, ये पंच तत्वों से बना हुआ है। किससे बना है? पंच तत्वों से, जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी से। और ये पंच तत्व में ही विलीन हो जाना है इसने, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, लॉजिक को समझो, जो आत्मा है मेंटेन आत्मा को करना है, और वो आत्मा कभी मरती नहीं है। न जायते वा मृयते कदाचित, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा बार बार जन्म लेती है और बार बार शरीर को त्यागती है, बार बार शरीर को धारण करती है। और आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है, आत्मा का कोई लिंग नहीं है। और आत्मा अमर है, अजर है, इसलिए तो कहते ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो आत्मा है ईश्वर का अंश है, आत्मा है ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है। जब परमात्मा का अंश है तो कभी मर ही नहीं सकता है, लेकिन वो भटकता रहेगा आपके कर्मों के द्वारा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्डे बाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म को कर, लेकिन कर्म कैसा करना है, अब ये हमको विचार करना है कि हमने कर्म अच्छे करने हैं, कर्म बुरे करने हैं।